हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर चैनल ऑफ शुक्ला क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुपोपाध्याय। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चैप्टर साउंड में, साउंड किस टाइप की वेव है। फिर हमने आप लोगों को बताया कितने टाइप्स की वेव्स, हमने पढ़ाया था कि वेव्स कितने टाइप की है। फिर डिफरेंट क्वांटिटीज रिलेटेड विद वेव, जिसमें था एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड, इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले आप उस लेक्चर को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो लेक्चर अगर आप समझ पाएंगे अच्छे से तो फिर आज का लेक्चर आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड। तो चलिए इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लेकर के चलते हैं हम लोग। मैंने यहां पर एक वेव का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बनाया है। फ्रेंड्स, यहां पर मुझे जल्दी से बता दीजिए, एक क्रेस्ट, लास्ट लेक्चर की नॉलेज से एक क्रेस्ट और एक ट्रक तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल, वेवलेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रक इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये एक बात रही। दूसरा, आप मुझे बताइए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होता है? बिल्कुल, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये बताइए, इस वाले वेव के केस में जो डिस्टेंस है, एक साइकिल के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक साइकिल के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। सो डिस्टेंस इज लैम्डा। और एक साइकिल के टाइम को हम लोग क्या बोलते थे, याद करिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। बिल्कुल, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। सो स्पीड के लिए हम लोग लिखते हैं वी, स्पीड के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है वी से। सो वी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टी। और याद करिए, वन अपॉन टी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, इसलिए मैंने कहा लास्ट लेक्चर को याद समझना, उसको देखना बहुत जरूरी है। वन अपॉन टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं क्या रिलेशन ले लिया, वी इज इक्वल टू लैम्डा, वन अपॉन टी क्या हो जाएगा, वन एफ। सो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत सिंपल रिलेशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फ्रेंड्स, यहां से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, हम देखेंगे उन सवाल को क्या है। तो अभी जस्ट हम लोग रिलेशन देखा हम लोगों ने, अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है रेंज ऑफ साउंड, साउंड रेंज। मैं बोलूं रेंजेस ऑफ साउंड, तो इसमें सबसे पहले देखिए, साउंड की रेंजेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है फ्रेंड्स। और वो रेंज है सबसे पहले इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड, और तीसरा है, नीचे लिख देते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। फ्रेंड्स, ऑडिबल साउंड या फिर मैं बोलूं ऑडिबल रेंज, ये कौन सी रेंज होती है? तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज साउंड की जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, इस रेंज में आने वाली जो साउंड होगी उसे हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स ऑडिबल रेंज। साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो आपको वो जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है वो आपको सुनाई देगी। उसको हमारे ह्यूमन ईयर्स सेंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसीलिए इसे ऑडिबल साउंड बोलते हैं। अब एक बात हो सकती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है ये है लेस देन 20 हर्ट्ज वाली साउंड, लेस देन 20 हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, फ्रेंड्स ये जो साउंड है, इस साउंड को लोग हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। तो हमारे पास साउंड के तीन रेंज हो गए, पहला वो जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये ऑडिबल साउंड है, ये ह्यूमन ईयर सेंस कर सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेस है तो इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक साउंड। हमारे सिलेबस में फ्रेंड्स
इस अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज भी है और उसे हम देखते हैं जल्दी से, और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है अल्ट्रासोनिक साउंड पर। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, बहुत ज्यादा जरूरी, आप इस पर फोकस करिएगा, डिफरेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। पहला, फिर जब भी कभी किसी भी इंटरनल ऑर्गन में स्वेलिंग देखनी होती है ना, और किसी जगह अगर क्रैक हो जाए बोन में तो मसल्स में स्वेलिंग है या नहीं, इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आप जानते होंगे मेडिकल नॉलेज में अल्ट्रासाउंड जो है, तो वो जो अल्ट्रासाउंड कुछ और नहीं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ही होती है जो एक डिवाइस से हमारे बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, मतलब वहां पर अल्ट्रासाउंड या फिर मैं बोलूं मेडिकल पर्पस में से यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पस में। किसके लिए? टू डिटेक्ट द इंटरनल डैमेज टू मसल्स में कितना इंटरनल डैमेज हुआ, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड में मेडिकल पर्पस में। दूसरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मेटल के पीसेस बनकर के आते हैं उसमें चेक करते हैं कि भाई किसी में क्रैक तो नहीं है बीच में, तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। देख लेते हैं कैसे। सपोज करिए एक मेटल का ब्लॉक बनकर के आया एक इंडस्ट्री से, बड़ी सी इंडस्ट्री से, और यहां पे उसमें क्रैक मौजूद है, तो यहां से उन्होंने हमने क्या किया, यहां से एक सोर्स है साउंड का, अल्ट्रासाउंड यहां से निकल रही है, लगातार साउंड का सोर्स है ये, और यहां से साउंड वेव्स निकली, ये सीधे निकल गई इसमें से बाहर, है ना, ये रिसीवर है, ये रिसीवर, ये सीधे इस तरीके से निकल जाएगी बाहर, और ये थोड़ा सा यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सीधे, तो जो डिफ्लेक्ट हुई सामने रिसीव नहीं होगी, ये डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करिए रिसीवर जो है। तो हम यहां से क्या सीख सकते हैं कि अगर जो भी अंदर क्रैक होगा उसको हम इस अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा है, इन द मेटल फैक्ट्रीज टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक, ओके। और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड बाय बैट्स, फॉर देयर पोजिशन लोकेशन। फ्रेंड्स, बैट्स वो जानवर हैं जो रात के टाइम, बैट्स समझते हैं आप चमगादड़, वो जो जानवर हैं जो बैट्स हैं वो रात के टाइम निकलते हैं अपने शिकार के लिए, रात को उन्हें दिखता नहीं है एक्चुअली में, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं पोजिशन को डिटेक्ट करने के लिए, तो हेल्प लेते हैं फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड की। वो अपने वोकल कॉर्ड से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं और देखते हैं किस तरीके से। तो यहां पर आपके पास, मैंने यहां पर सपोज करिए एक बैट बनाया है ना, और ये सामने एक प्रे है इसका शिकार, यहां से इस बैट ने अल्ट्रासोनिक साउंड निकाले, फिर ये इसका शिकार है और ये आगे एक वॉल है। अब फ्रेंड सोचिए, अगर ये अल्ट्रासाउंड ना निकले, इसको बैट को दिखता तो है नहीं रात में, तो ये इस दीवार से टकरा जाएगा और बेहोश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्या करता है बैट, अपने वोकल कॉर्ड से साउंड निकालता है अल्ट्रासाउंड, और ये अल्ट्रासाउंड आगे आने वाले प्रे से, और ये इस तरीके से आगे बढ़ती है साउंड, ये साउंड जब इस प्रे से टकराएगी तो इस तरीके से वापस भी आएगी, और जब इससे टकराएगी तो इससे भी वापस आएगी। तो अब जो वापस आती है साउंड, इसका ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है,
जो साउंड वापस आई उसको डिटेक्ट करेगा इसका ब्रेन और वो इस तरीके से कैलकुलेशंस करता है कि प्रे कहां पर है और ऑब्स्टेकल उस प्रे से कितना दूर है कि वो टकरा ना जाए। तो इस तरीके से ये अपनी पोजीशन को डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि बैट्स जो अपनी पोजीशन को लोकेट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, तो आपका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। ओके, ये तीसरा पॉइंट था बहुत जरूरी था। उसके बाद आखिरी पॉइंट है बहुत जरूरी जिसपे न्यूमेरिकल आता है हर साल एम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फ्रेंड्स आपका फोर्थ पॉइंट सोनार। सोनार की फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है, सोनार की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स साउंड एंड फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जैसे कि अब ये है क्या चीज इसको समझते हैं, जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन जब भी हवा में उड़ता है तो उसको आसपास हवा में होने वाली एक्टिविटीज है उनको डिटेक्ट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है उसे, सोचिए इस बारे में। बिल्कुल, रेडार की। रेडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो वहां पर रेडार में ये होता है ना, यहां पर जो है रेडार तो काम नहीं करता है, यहां पे इस वाले केस में सोनार काम करता है। वो कैसे करता है काम जरा देख लेते हैं उसे भी। ये मेरे पास कोई शिप है और शिप में हमारे पास यहां पर सोर्स है ना और ये रिसीवर है। तो देखिए यहां पर ये सोर्स होगा, ये क्या निकालेगा अपने अंदर से, और ये जो है शिप। देखिए ये जो शिप्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, तो इनको मूव करने के लिए भी ये पहले इंश्योर करना पड़ता है कि भाई क्या हमारा जो शिप चल रहा है पानी में, क्या ऐसा तो नहीं कि वो पानी ज्यादा गहरा ना हो। अगर वो पानी ज्यादा गहरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है शिप को इंटरनल डैमेज पहुंचेगा। फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक साउंड का जो आखिरी इंपॉर्टेंट यूज है वो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, जिसका नाम है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फ्रेंड्स, जैसे एरोप्लेन होते हैं, उन एरोप्लेन जब वो एरोप्लेन मूव करते हैं स्काई में, तो उनको स्काई में होने वाली जो एक्टिविटी होती है उनके आसपास, उनको डिटेक्ट करने के लिए आप जानते हैं एक डिवाइस का यूज करते हैं, वो इसका नाम है रेडार। इसी तरीके से जो हमारे पानी के शिप्स होते हैं, इनको ये डिटेक्ट करना होता है कि जिस पानी में वो चल रहे हैं उस पानी के नीचे कोई रुकावट तो नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नीचे आइसबर्ग है और इसे टकरा जाएगा तो इसको डैमेज होगा, जैसे टाइटेनिक वाला केस था, या फिर आप दूसरा ये हो सकता है कि इसके नीचे कोई एनिमल आ जाए, व्हेल आ जाए, तो उसको डैमेज हो सकता है शिप को, है ना। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, ये जो शिप होता है शिप में एक डिवाइस को लगाया जाता है, उस डिवाइस का नाम है सोनार। देखिए वो कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल देखते हैं। उस सोनार में हमारे पास इस तरीके से दो डिवाइसेस होते हैं, दो मशीन्स होती हैं। एक डिवाइस यहां पर, इस पूरे सिस्टम को सोनार बोला जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे जो सोर्स है ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड इस तरीके से पानी के अंदर होते हुए हमारे बेस से टकराती है, और टकराने के बाद ये अल्ट्रासोनिक साउंड इस तरीके से वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर उस रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव कर लेता है, मान लीजिए फ्रेंड्स। और ये जो साउंड रिसीव हुई इसके बेसिस पर, ये साउंड यहां से निकली, यहां साउंड रिसीव हुई, इसके बेसिस पर जो कंप्यूटर होता है वो डिटेक्ट कर पाता है कि कितना डिस्टेंस रहा होगा शिप से उसके ओशियन के बेस तक का। अब जो सवाल यहां से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, वो सवाल कुछ इस तरीके से आता है। पहले उसका हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उस सवाल को भी देख लेंगे। देखिए क्या है, यहां से आप मुझे बताइएगा, मान लीजिए जो सोर्स है, इस सोर्स ने अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करी, उस साउंड की स्पीड है फ्रेंड्स मान लीजिए v, v इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये v स्पीड से साउंड चल रही है, टकराने के बाद भी v स्पीड है, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, यहां से भी v है स्पीड, ये भी स्पीड v ही होगी। और मान लीजिए यहां से सोर्स से साउंड निकली और साउंड चली आगे, टकराने के बाद वापस आ गई, और वापस जब पहुंची रिसीवर तक तो उसे टाइम लग गया t। T इज द टोटल टाइम। T कौन सा टाइम है, T वो टाइम है कि मान लीजिए 12 बजे यहां से एक साउंड की पल्स प्रोड्यूस हुई और ये चलते चलते टकराने के बाद 12 बज के 1 मिनट पे पल्स रिसीव हो गई। तो वो जो 1 मिनट है, 12 बजे और 12 बज के 1 मिनट, जो 1 मिनट है वो टोटल टाइम है ना, कहां से कहां तक का, एमिशन से लेकर के रिसीविंग तक का। तो बच्चों T है टोटल टाइम, एमिशन से लेकर के रिसीविंग तक का। अब ये बता
बताइए फ्रेंड्स, इस टी टाइम में साउंड ये डिस्टेंस डी कितना चली, कितनी बार चली? तो देखिएगा, एक बार फिर दूसरी बार, समझिएगा ध्यान से, एक दो। तो यहां से देखिए, जल्दी से बता दीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस कितनी बार चला गया साउंड, यहां पर डिस्टेंस कितनी बार चला? बिल्कुल दो बार। तो 2d इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है v, और टोटल टाइम कितना लगा t। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जो पूछा जाता है सोनार वाले क्वेश्चन से रिगार्डिंग। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो एको वाले क्वेश्चन होते हैं, हम उन क्वेश्चन को भी डील करेंगे, उसमें भी फ्रेंड्स यही फॉर्मूला लगता है। 2d क्यों? क्योंकि देखिए, आप साउंड से बोले, यहां से बोले, फिर साउंड रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंची, तो डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल हुआ? एक बार फिर दूसरी बार। 2d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज स्पीड ऑफ साउंड, इसे लिखा है मैंने। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट फॉर सोनार। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो बहुत ज्यादा इसमें डिमांडिंग है एमयू पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे और देख लेते हैं और इस चैप्टर को हम लोग फिर एंड करते हैं। तो देखिएगा उसमें, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला है फ्रेंड्स मीडियम। फ्रेंड्स बताइए जल्दी से, हमारी जो साउंड है वो कौन सी वेव है? बिल्कुल, साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, शाबाश, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मीडियम, मीडियम कैसे अफेक्ट करता है? आपको जस्ट मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही बता रहा हूं, इनके बारे में ज्यादा डीप नॉलेज नहीं प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स। पहला है मीडियम केस में, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। ये रिलेशन है हमारे पास, मतलब सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्पीड, फिर लिक्विड्स में उससे लेस, और सबसे लेस फिर गैसेस में। तो ये इस तरीके से मीडियम अफेक्ट करता है साउंड की स्पीड को। दूसरा है फ्रेंड्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से साउंड की स्पीड को क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा जो है फैक्ट बताना चाहूंगा, उसको समझिएगा ध्यान से। साउंड की स्पीड, साउंड स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर रूम टेम्परेचर में बात की जाए, करीब 27 से 26 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की अगर बात करूं, रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं, तो रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, सो फ्रेंड्स वो जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 341 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 331, और रूम टेम्परेचर करीब 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड बढ़ गई। मतलब आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है सराउंडिंग का, वैसे वैसे ही उस सराउंडिंग में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब ये स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन जो डेरिवेशंस है, डेरिवेशन के बाद जो फ्रेंड्स रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट में याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए, अंडर रूट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन बनता है, तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन रूट टाइम्स। ओके, और एक फैक्ट और है कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। जैसे अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड 341 है, तो 28 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड होगी 341.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से हमने क्या देख लिया, साउंड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड बढ़ती है, और किस तरीके से रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और से हम इस तरीके से बताना था, तीसरा और इफेक्ट देख लेते हैं, और इस बार जो चैप्टर है फ्रेंड्स को एंड करते हैं हम लोग, फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को मिलेंगे अगले लेक्चर में। तीसरा है फ्रेंड्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ और मान लीजिए आसपास में जो प्रेशर है वो है 1 atm, है ना, 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर। और अगर मैं आसपास का प्रेशर बढ़ा करके 2 atm कर दूं तो क्या साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी फ्रेंड्स? आंसर है नहीं। साउंड की स्पीड का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप साउंड की स्पीड को देखें तो याद रखिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन भी है, हमें डेरिवेशन तक नहीं जाना है, मैं आपको जस्ट रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर आपके पास किसी मीडियम में आप बोल रहे हैं तो वहां पे साउंड की जो स्पीड है, अगर वहां पे प्रेशर है 1 atm तो मान लो जो स्पीड है वो है 340 meter per second, तो अगर आप प्रेशर को 3 atm कर देते हो बढ़ा करके तो भी साउंड की जो स्पीड होगी वो होगी अगेन 331 meter per second। यहां से हम क्या सीख सकते हैं फ्रेंड्स? यहां से हम ये सीख सकते हैं कि साउंड की स्पीड को प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब साउंड स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर या फिर चेंज इन प्रेशर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सो पेशेंसली एंड हैव अ नाइस डे।